हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्य एप्टी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्य। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए यदि आपके माइंड में जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ किया जाए, ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ किया जाए, तो आपकी ये प्रॉब्लम, आपका जो डाउट है, शायद ये वीडियो जो है दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में। वीडियो को लास्ट में आपको ये क्लियरिटी जरूर मिलेगी कि आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। तो वीडियो में आज 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ITR की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है, और इसकी जो फाइलिंग स्टार्ट होगी वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। टैक्स प्लानिंग का इस समय टाइम बहुत अच्छा है। आप जो है असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने टैक्स को आप सेव करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है टैक्स प्लानिंग का। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में छूट मिल सके, तो आप 31 मार्च 2024 तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक की जो इनकम आपकी है वो टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है 87A का। वैसे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे 5 लाख तक की जो इनकम आपकी है वो टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 87A में रिबेट मिल जाता है। और जो 5th पॉइंट रहेगा वो हमारा लाइव कैलकुलेशन का रहेगा, कैसे आपको जो है अपना इनकम टैक्स जो है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपको कैलकुलेट करना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमने एक छोटा सा यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहां पे हमने ग्रॉस सैलरी 15 लाख रुपीस का लिया हुआ है, जिसमें कि बेसिक सैलरी और DA इंक्लूड है, और साथ में यहां पे HRA भी 1,80,000 रुपए जुड़ा हुआ है, और बाकी के जो अमाउंट्स हैं उसमें अदर अलाउंसेस है और बाकी जो है परक्विजिट्स का अमाउंट है। टोटल मिलाकर के यहां पे 15 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, जिसमें कि HRA का जो एग्जेम्पशन है काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में HRA का एग्जेम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1,80,000 रुपए आपको HRA मिल रहा है, उसमें से आपको कितना छूट मिलेगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो आपके पास 3 फिगर्स का होना बहुत जरूरी है। आपका एक तो हो गया बेसिक सैलरी का अमाउंट, दूसरा हो गया कि आप कितना रेंट पे करते हो एक्चुअल में, और तीसरा कि आपको कितना HRA एक्चुअली में मिलता है। तो गूगल में आपको टाइप करना है HRA कैलकुलेटर ऑनलाइन, तो आपको इनकम टैक्स की ही वेबसाइट दिख जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है और HRA का कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी में हमने 8 लाख रुपीस लिया हुआ है, हमने 10 लाख रुपीस का अमाउंट में DA को भी कंसीडर किया था, लेकिन HRA के कैलकुलेशन में DA तभी आता है जब वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में कोई भी एम्प्लॉयमेंट्स की बेनिफिट्स के लिए DA को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लाख रुपीस सैलरी का लिए हुए हैं। और HRA रिसीव्ड आपने देखा कि 1,80,000 रुपीस HRA मिला है, और रेंट आपने पे किया है 1,20,000 रुपये। अब ऐसे केस में आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी मिलता है कि यदि आप मेट्रो सिटीज़ में यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आप यदि आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो यहाँ पे आपको चेक करना है, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है। देन आपको यहाँ पे कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जेम्प्टेड HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस आपका 40,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो छूट मिलता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। और हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B में, यदि आपने किसी मकान को बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है बैंक से और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम यहां पे क्लेम ले सकते हैं। और यदि आपका वो प्रॉपर्टी जो है रेंटेड है, आपने किराए पे दे रखा है, तो वहाँ पे उस रेंट को क्लेम करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपके पास इस इंटरेस्ट पेमेंट का प्रॉपर जो है प्रूफ होना चाहिए, स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको वो काम में आ सके। वहीं यदि न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप जाएंगे तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए अलाउड नहीं किया गया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी यदि आपकी होगी और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे लोन का, तो आप वहाँ पे क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन की यदि हम बात करें तो आप 80C में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम ले सकते हैं, जैसे कि आपने LIC का प्रीमियम दिया है, सुकन्या समृद्धि में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर आपने 5 ईयर्स का टाइम डिपॉजिट आपने परचेस कर रखा है,
या फिर आपने ELSS का म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है, तो 80C में पूरी लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन पूरा पूरा आपको क्लेम करना चाहिए। इससे काफ़ी आपका जो टैक्स होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो है 80CCD 1B का। यदि आप एक इम्प्लॉई हो और आप जो है नेशनल पेंशन स्कीम में अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एडिशनल जो है 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 80CCD 2 का डिडक्शन जो कि इम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए आपको मिलता है। यदि आपका जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं, यदि वो मालिक जो है कंट्रीब्यूशन अपना नेशनल पेंशन स्कीम में आपके तरफ से करता है, तो वहाँ पर भी जो सैलरी और DA है इसका जो है 10% आपको वहाँ पे क्लेम मैक्सिमम जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 लाख रुपीस हमारा बेसिक और DA है, इसका 10% हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 लाख रुपीस। तो ये 80CCD 2 का जो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी देखने को मिलता है और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी देखने को मिलता है। और 80D में 75,000 रुपीस का क्लेम ले सकते हो। जैसे आपने अपने लिए या बच्चों के लिए या पत्नी के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, और साथ में जो है आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो 25,000 रुपीस आपको क्लेम मिल जाता है और 50,000 रुपीस आपके पेरेंट्स के लिए मिलता है। तो टोटल 75,000 का यहाँ पे क्लेम आप 80D में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप ले सकते हो। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि इतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया हुआ वो अमाउंट का क्लेम आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी आप पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो वो आपका प्रॉपर जो है डिजिटल मोड में होना चाहिए, चेक के थ्रू करिए या फिर ऑनलाइन करिए। इसके बाद 80DD का डिडक्शन यहाँ पे 75,000 रुपये हमने क्लेम किया हुआ है। दोस्तों जब डिसेबिलिटी के केस में मिलता है, यदि कोई व्यक्ति डिसेबल हो या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल है और वहाँ पे 40% की डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पे 75,000 रुपीज़ का वहाँ पे भी डिडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगेन ये डिसेबल के केस में है। इसके बाद 80DDB का डिडक्शन 40,000 रुपीज़ का यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। यदि मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये डिडक्शन जो है दिया जाता है और पूरी डिजीज़ की लिस्ट दी हुई है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। कि उसके बाद 80CCH जो कि इस साल ही जोड़ा गया है, जो कि अग्निवीर कॉर्पस के लिए है, जो कि अग्निवीर इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको 100% यहाँ पे क्लेम मिल जाता है। तो यहाँ भी हम 80,000 रुपीस का मान के चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 80E का, यानी एजुकेशन लोन का। यदि आपने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए यदि आपने लोन ले रखा है बैंक से और आप उसका इंटरेस्ट जो भी है पेमेंट आपने किया, तो उसका भी क्लेम आप 80E में ले सकते हो। और यहाँ पे जो डिडक्शन का जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं, ये सब हम जो है अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में और ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को आपको मिलता है। टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर मिलता है और एक एडवांस कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। तो आपको बेसिक कैलकुलेटर में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको सिंपली अपना टोटल एनुअल इनकम इंटर करना होगा और इसका टोटल डिडक्शन इंटर करना होगा, बाकी ऊपर की जो डिटेल्स रहेंगी ये आपको फिलअप करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आप जो है हेड वाइज जो है अपनी इनकम को आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि सैलरी से कितनी इनकम आपकी है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है, ऐसे केस में आपको एडवांस कैलकुलेटर को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर में जब आप चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन जब आप एडवांस कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और अपनी सारी इनकम को आप दिखा लेंगे, डिडक्शंस भी दिखा देंगे, लेकिन यहाँ भी आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको फिर से न्यू टैक्स रेजिम में आपको इनकम अलग से फीड करना होगा, डिडक्शंस फीड करना होगा। तो आपको एक ऐसा
सिस्टम चाहिए जिसमें कि आप अपनी एक बार अपनी इनकम को डाल दें, डिडक्शन का अमाउंट डाल दें, तो आपका न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का पूरा कैलकुलेशन करके आपको दे दे। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। यदि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे वन बाय वन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम में करके आपको देखना होगा कि कितना टैक्स आ रहा है, फिर न्यू टैक्स रिजीम में करके देखना होगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप मेन स्क्रीन पे आएंगे और आपको यहाँ पे इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर पे जो कैलकुलेटर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24 और 25 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। टैक्स पेयर कैटेगरी बाय डिफॉल्ट आपका ये ले लेगा। तो आप यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एज यहाँ बाय डिफॉल्ट ले लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी आ रहा है कि 31 जुलाई 2024 तक आपको ये रिटर्न सबमिट करनी है और इसकी फाइलिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको इनकम डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वन बाय वन करके आपको अलग अलग सोर्सेस की इनकम यहाँ पे फीड करनी है। तो यहाँ पर हमने सैलरी का एग्जांपल लिया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको इंटर करना है। ये 15 लाख की सैलरी हमको यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद एग्जेम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। अब 10 में जो है हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन, आपने देखा कि यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का क्लेम है जो हमने निकाला था एचआरए एग्जेम्पशन का, वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा अपना। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 16(2) 16(3) जो भी आपका डिडक्शन होगा इसमें आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरटेनमेंट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है जो कि आपको प्रोफेशनल टैक्स आपको 2,500 तक मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता है उसमें भी डिडक्शन उनको मिल जाता है 5,000 रुपए तक का। तो ये डिडक्शंस आप यहां से क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पे हमने सैलरी की डिटेल इंटर कर दी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इंटर कर दिया, 16(1)(a) में 50,000 रुपीस का डिडक्शन मिल जाता है जो कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में आपको देखने को मिलता है। सैलरी की डिटेल इंटर करने के बाद हम हाउस प्रॉपर्टी पे चले आएंगे और यहां पे मैंने आपको बताया था कि यदि आपका कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और आपने उसको बनाने के लिए लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आप यहां पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको श्योर हो लेना है कि इसका पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं आपने प्रॉपर्टी को यदि लेट आउट करी हुई है, किराए पे दे रखी है, तो उसका रेंट अमाउंट यहां पे इंटर कर देंगे। इसके बाद जो आपने टैक्सेस वगैरह पे कर रखे हैं वो डिटेल आप इंटर कर देंगे। सारी डिटेल्स आपको यहां पे इंटर करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको यहां पे कैपिटल गेन यानी आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से यदि आपको कोई गेन हो रखा है तो आप यहां पे क्वार्टर वाइज जो अपनी डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं। यदि आपको क्वार्टर वाइज नहीं पता है तो आप सिंपली एक क्वार्टर में भी आपको जितना भी एक साल में म्यूचुअल फंड्स को बेचने से या शेयर मार्केट में इनकम हो रखी है वो गेन आपको यहां पे इंटर करना है। अब दोस्तों यदि आपको लॉस हो जाता है तो लॉस आप यहां पे रिपोर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गेन या प्रॉफिट आपको यहां पे इंटर करना है। अदर सोर्सेस का यहां पे देखिए ऑप्शन है, यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो रखे तो आपको यहां पे इंटर करना होगा। उसके बाद यदि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से यदि इंटरेस्ट हो रखी है तो आपको यहां पे इंटर करना होगा। इसके अलावा लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग यदि हो रखी है तो आपको यहां पे इंटर करना होगा अमाउंट। देन आपको एनी अदर इनकम में जैसे कमीशन या ब्रोकरेज या फिर आपको सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स ये सबसे कोई इनकम हुआ रहेगा तो आपको यहां पे इंटर करना है। सारी डिटेल्स जब इंटर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम देखिए आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको डिडक्शन अपना क्लेम करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिडक्शन आता है वो आता है आपका 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन जो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो आप सबसे तो 80C का डिडक्शन जो कि मैंने आपको बताया था, LIC हो गया, PF हो गया, PPF हो गया, NSC हो गया, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का, सुकन्या समृद्धि हो गया, ऐसे केस में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो 1,50,000 रुपीज़ का हमारा जो था उस एग्जाम्पल में हमने ले रखा था। और इसके बाद 80CCD 1B में हमने आपको दिखाया था 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन और 80CCD 2 में आप देख सकते हो
इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनपीएस 1,00,000 रुपये का हमारा वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, और 80D में आपके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन आ जाता है, तो 75,000 हमने यहाँ भी इंटर कर दिया है। इसके बाद 80G जो होता है डोनेशन के लिए होता है, यदि आपने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को आपने डोनेट किया हुआ तो वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। 80E जो एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे वो अमाउंट भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 1,50,000। इसके बाद रेजिडेंशियल हाउस के लिए 80EE का डिडक्शन, 80TTA का मतलब जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसमें भी आप 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो 3 डिडक्शन हमारे थे वो इसमें नहीं दिख रहे थे, जिससे 80DD का डिडक्शन और 80DDB का डिडक्शन और 80CCH का, ये हमने यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे इंटर कर दिया है, और आपके केस में भी होगा तो आप जस्ट उसको इंटर करके आप एस्टीमेट लगा सकते हैं। इसका सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एस्टीमेट टैक्स पे आपको क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने ये दिखा देगा एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम एज पर न्यू टैक्स रेजिम। आपको यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, और फिर आप देख करके यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेहतर है। तो यहाँ पे देख सकते हो टैक्सेबल इनकम आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में 4,90,000 की आई, वहीं पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको 13,50,000 का यहां पे आ रहा है टैक्सेबल इनकम, और टैक्स आपकी 12,000 बन रही है और इसमें 1,20,000 बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो 87A में जैसे मैंने बताया था कि 5,00,000 तक की इनकम न्यू टैक्स रिजिम में आपकी टैक्स फ्री हो जाती है, तो यहाँ पे 12,000 आपका टैक्स बना लेकिन रिबेट आपको मिल गया 87A में, तो आपका जो टैक्स हो गया यहाँ पे नील हो गया। लेकिन वहीं पे आपका ये इनकम 7,00,000 के ऊपर न्यू टैक्स रिजिम में क्रॉस कर गया तो आपको 87A का रिबेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो 1,20,000 का आपका टैक्स यहां बन रहा है। एजुकेशन सेस वगैरह मिलाकर के आप यहां नीचे की तरफ आओगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 0 है टैक्स, और न्यू टैक्स रेजिम में आपको 1,32,350 रुपए का टैक्स बन रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या न्यू टैक्स रेजिम बेहतर है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।